हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फिजिक्स फंडामेंटल्स में। हमने पिछले वीडियो में नया टॉपिक शुरू किया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। हमने उसमें डिस्कस किया टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टेम्परेचर क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। ये मेजर मेजर हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज हम समझने वाले हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हेडिंग डाल लीजिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब इसमें दो चीजें, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या है? सिंपल है, किसी भी बर्तन या किसी भी मटेरियल को कितना हीट किया जा सकता है, वो इसकी हीट कैपेसिटी। अब उसमें स्पेसिफिक क्या चीज है? द वर्ड स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफाई कर रहा है, वो क्या है? ठीक है, तो समझते हैं। हीट कैपेसिटी का मतलब होगा किसी भी मटेरियल को हम कितना हीट कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी है, कितनी हीट वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, जब हम हीट को एज एनर्जी नहीं माना करते थे। उस टाइम ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि हीट जो है वो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में रखी होती है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ लिक्विड। ये उस जमाने का कॉन्सेप्ट है, तभी हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आया था। तो कहते थे भाई एक मटेरियल में हीट रखी हुई है, तो वहीं से ये टर्म कैपेसिटी वहीं से आई हुई है। लेकिन चलो हम इसे समझते हैं, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी और फिर हम समझेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप समझते हैं कि क्या होता है। लेट्स से कि आपको एक लीटर पानी को हीट करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप उसको 10 डिग्री हीट करो या 20 डिग्री हीट करो, किसमें ज्यादा हीट लगेगी, किसमें ज्यादा हीट लगने वाली है? 20 डिग्री वाले में, यानी कि हीट जो लगेगी वो प्रोपोर्शनल होगी डेल्टा टी के, कितना ज्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। दूसरा ये बताओ, एक लीटर पानी जल्दी हीट होगा या दो लीटर पानी, बताओ बताओ, ठीक है, 2 लीटर। तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल हो गया मास के भी, ठीक। अच्छा, तो अगर मैं मास फिक्स कर दूं और टेम्परेचर फिक्स कर दूं, तो जो नंबर निकल के आएगा कि कितनी हीट लगी, वो उसकी स्पेसिफिक हीट होगी। हमने दो चीजें स्पेसिफिक कर दी, कि मास को फिक्स कर दिया और टेम्परेचर को भी फिक्स कर दिया कि इतना ही हीट करना है, तो मिल जाएगी हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, यूनिट डिग्री सेल्सियस। हमने इसमें क्या क्या चीजें स्पेसिफाई कर दी, यूनिट मास कर दिया क्योंकि मास पे डिपेंड हो रहा था, और यूनिट डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो दो चीजें स्पेसिफिक कर दी, यूनिट मास और यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो ये बन गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ऐसे डिनोट करते हैं, ये होती है हीट नीडेड टू रेज टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री ऑफ यूनिट मास, ठीक। वो हीट एनर्जी जो 1 किलो पानी को 1 डिग्री हीट करने में लगेगी, उसे बोलेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। सिमिलरली वो हीट एनर्जी जो 1 लीटर अल्कोहल को 1 डिग्री हीट करने में लगेगी, उसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। 1 लीटर मतलब 1 किलो, मास से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। या फिर वो हीट एनर्जी जो 1 केजी मर्क्यूरी को 1 डिग्री हीट करेगी, उसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ मर्क्यूरी, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब इसमें इसी में छोटू सा कॉन्सेप्ट है, जो इसका छोटा भाई है, उसका नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। मोलर, मोलर वर्ड और ऐड कर दिया गया, कुछ नहीं है मोलर में। अगर ये स्पेसिफिक हीट था तो मोलर स्पेसिफिक हीट को अगर हम एसएम से डोनोट करेंगे तो वो बन जाएगा आपका हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय यूनिट ऑफ 1 मोल,
ये एन जो है इस नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, यानी कि एक मोल ऑफ दैट मटेरियल, हमने यहां पे लिया था यूनिट मास लिया था, यहां पे यूनिट मोल लिया बस। तो मोलार स्पेसिफिक हीट हो गए, ये सिर्फ स्पेसिफिक हीट थी, ये मोलार, मोलार में मास की जगह पे मोल आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक, सिंपल है। ये दो चीजें हैं, ये दोनों जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यानी कि पानी का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, मर्क्यूरी का अलग होगा, हीलियम का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, लेकिन जो होगा कॉपर का वो फिर हमेशा सेम ही होगा कॉपर के केस में। यानी कि ऐसा नहीं बोला, बोलेंगे कि यार इंडिया में जो कॉपर की स्पेसिफिक हीट है वो 5000 किलो जूल है और अमेरिका में 3000 डी, ऐसा नहीं। मटेरियल स्पेसिफिक है लेकिन टेम्परेचर और मास इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि हमने टेम्परेचर और मास से डिवाइड कर दिया, झंझट ही खत्म, ठीक है। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी बन जाती है, इस अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। इतना समझ में आता है, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। अब एक और टर्म है आपकी बुक में, कैलोरीमीटर और कैलोरीमेट्री। सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, यहीं पे लिख देता हूं, समझा देता हूं। कैलोरीमीटर एंड कैलोरी कैलोरीमेट्री, कैलोरीमीटर क्या होता है, कैलोरीमेट्री क्या होती है। कैलोरीमीटर कुछ नहीं होता बच्चों, एक इंसुलेटेड बॉक्स होता है। कैसा इंसुलेटेड बॉक्स आप बना सकते हो, जैसे एक बॉक्स बना लो, ठीक है, ये है कॉपर, इसके बाहर होती है आपकी ग्लास वुल और इसके बाहर होती है वुड, पूरी तरह से इंसुलेटेड होता है, ठीक, ये है आपकी वुड, ठीक, ये है आपका ग्लास वुल, ठीक, और ये है आपका कॉपर, मैंने इसको क्लोज बना दिया, क्लोज बॉक्स, एक्चुअली क्लोज बॉक्स नहीं होता, इसकी ढक्कन ही खुल जाती है, और इसमें होता है आपका दो सुराख होते हैं, टू स्मॉल होल्स, और इन होल्स में जाता है आपका यहां से हम इसमें थर्मामीटर डालते हैं, और यहां से डालते हैं स्टायरर, ठीक है, बस ये बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं, एक सुराख से हमने थर्मामीटर डाल दिया टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और एक सुराख से हम उसमें डालते हैं स्टायरर, क्या करने के लिए, इसके अंदर जो भी लिक्विड होगा उसको स्टायर करने के लिए, ताकि यूनिफॉर्मली टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो सके, मटेरियल की हीट जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। यह है कैलोरी मीटर, क्या है, कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर, सी ए एल ओ आर आई एम ई टी ई आर, कैलोरी मीटर, ठीक। इन्वायरमेंट इज, इन्वायरमेंट से इंसुलेटेड होता है, क्योंकि बाहर वुड है, ऊपर हो सकता है लेदर का जैकेट भी हो, और ये ग्लास वुल है, ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और अंदर है कॉपर, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो कॉपर ये है, और फिर स्टेरर भी है, ये भी कॉपर का ही बना होता है, ताकि स्टेरर और ये कैलोरीमीटर, इसकी हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले से ही, ठीक है। तो अब इस कैलोरीमीटर में जो भी हम लिक्विड मिक्स करेंगे या दो अलग अलग लिक्विड्स को मिक्स करेंगे, तो उनकी जो हीट एक्सचेंज होगा आपस में वो सराउंडिंग से इंसुलेटेड रहेगा, क्योंकि हमने इंसुलेटर्स लगा रखे चारों तरफ। तो जो थ्योरी है कैलोरीमीटर की वो यही है कि इसके अंदर हम अलग अलग टेम्परेचर पे लिक्विड्स को सॉलिड्स को मिक्स करते हैं, और विद द अजम्पशन कि उसके अंदर जो हीट एक्सचेंज हो रहा है अलग अलग लिक्विड्स में वो सराउंडिंग से इंसुलेटेड है, तो जितनी हीट गेन बाय वन लिक्विड होगी दैट शुड बी हीट लॉस बाय अनदर लिक्विड और सॉलिड, तो हीट लॉस और गेन होगा, तो उस प्रोसेस को कैलोरीमेट्री कहते हैं, यानी कि जिस प्रोसेस के थ्रू हमने इसमें एक ऑब्जेक्ट, एक मटेरियल लिक्विड डाला, लेट से पानी डाला एक 5 डिग्री पे, दूसरा हमने ऑयल डाल दिया 20 डिग्री पे, और फिर हमने इसको स्टेडी स्टेट में आने दिया, तो 5 और 20 कहीं पे 12-15 डिग्री पे आके स्टेडी स्टेट में आएगा,
तो उस दौरान हीट गेन्ड बाय वाटर, हीट लॉस बाय ऑयल शुड बी इक्वल. इसके लिए हम इसको टोटली इंसुलेट करते हैं. दिस इज अ कैलोरीमीटर एंड द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग हीट एंड ऑल दोस थिंग इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री. ठीक है, आपकी लैब्स में एक एक्सपेरिमेंट भी आपने किया होगा कैलोरीमीटर का. ठीक है ना, ये डिलीट कर दे रहा हूं. समझ में आ गया, स्पेसिफिक हीट समझ में आ गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ में आ गई, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ में आ गई, और कैलोरीमीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. ये बना लीजिए फिगर, डिलीट कर दे रहा हूं, इसको छोड़ दे रहा हूं, है ना, कैलोरीमीटर को छोड़ दे रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है. अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. अगला टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट. एनसीईआरटी में है ये टॉपिक, चेंज ऑफ स्टेट, ये हम समझने वाले हैं. तो यूजली बच्चों मैटर जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होता है. ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है यार. सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है और गैस होता है, यानी कि वेपर. सॉलिड को हम अगर हीट करते हैं, तो अगर ये मान लो सॉलिड है, सॉलिड से बढ़ते 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 टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हीट कर रहे, फिर उसके बाद जब वो मेल्ट होने लगता है तो वो लिक्विड होने लगता है. उस टाइम हम और हीट करते हैं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता. फिर लिक्विड को हीट करते टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और फिर हम उसे और हीट करते हैं तो फिर वेपर बनने लगता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता. ठीक ठीक है, यहां पे था सॉलिड, यहां पे सॉलिड एंड लिक्विड दोनों था, यहां पे सिर्फ लिक्विड था, यहां पे लिक्विड प्लस वेपर था. ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारी लाइन हीट की, और ये टेम्परेचर. ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको. जब हमने कोई सॉलिड लिया, अपने केस में हम आइस ले लेते हैं, ठीक है, उसको जब जैसे जैसे हम हीट करते जा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, -10, -5, -4, -3, -2 यहां पे आ गया, यहां पे आके बन गया आइस के केस में स्पेसिफिकली ये टेम्परेचर आ गया आपका 0 डिग्री, या फिर केल्विन में कितना होगा ये केल्विन में कितना होगा 273.15 केल्विन, और ये टेम्परेचर कितना हो गया 274.15 केल्विन, या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन में ये टेम्परेचर है. तो हमने आइस को हीट करते गए -10, -10, -5, -4, -1 और 0. 0 करने के बाद आइस और यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स में मैटर रहेगा, और उसको हम फिर भी हीट करते जा रहे हैं, काफी सारी हीट उसने अब्सॉर्ब करी, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है. फिर जब वो सारा सॉलिड से लिक्विड हो गया, यानी कि सारी बर्फ जब पिघल गई, तब भी हम उसे कंटिन्यूअसली हीट करें, फिर उसका टेम्परेचर यूनिफॉर्मली बढ़ने शुरू हो गया. 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50, 80, 90, 99, 100 पे पहुंचा, तो लिक्विड से वेपर्स निकलने लग गए. ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात हो रही है. लिक्विड और वेपर दोनों है वहां पे 100 पे, और लिक्विड और वेपर 100 पे बने रहेंगे, यानी कि बॉइलिंग वाटर जो होता है, आप उसको कभी भी मेजर करोगे, उसका टेम्परेचर हमेशा 100 मिलेगा, और वो बॉइल कर रहा होता है, यानी कि पानी भी होता है और वहां पे स्टीम भी होती है, दोनों 100 डिग्री पे होते हैं. फिर वो काफी देर तक चलता रहेगा, और उसके बाद जब वो सब स्टीम बन जाएगा, तब जाकर के अगर आपका इनक्लोज कंटेनर है तो स्टीम बनने के बाद फिर आप उसे और हीट करोगे तो वो और गर्म हो जाएगी, सुपर हीटेड स्टीम बनेगी जाकर के, ऐसे होगा. ठीक, तो इस ग्राफ से समझ में आता है कि जो चेंज हम स्टेट चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड में, या फिर लिक्विड से वेपर में, तो इस स्टेट के दौरान काफी सारी हीट एनर्जी लगती है. देखो यहां पे ये एनर्जी है ना, ये वाली जो एनर्जी है ये क्या है, एनर्जी, हीट एनर्जी यूज्ड टू चेंज
स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ये हीट एनर्जी है। सिमिलरली ये हीट एनर्जी होगी जो वो लिक्विड से वेपर में चेंज करने के लिए हीट एनर्जी लग गई, ठीक है। तो ये जो हीट एनर्जी है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने में कंज्यूम हो रही है और इससे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। हम हीट कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं राइज हो रहा है, तो वो हीट जा कहाँ रही है? देखो बच्चों, सॉलिड्स जो होता है वो क्लोजली बाउंड होता है सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लिक्विड में वो मॉलिक्यूल्स लूजली बाउंड होते हैं, तो वो जो क्लोजली बाउंड और लूजली बाउंड के बीच में जो एनर्जी थी, जब क्लोज बाउंड थे तो एनर्जी कम थी, जब लूज बाउंड हो गए तो एनर्जी ज्यादा होगी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की। तो वो एनर्जी ज्यादा कहां से आई? वो एनर्जी हीट से आई। हमने पूरे मटेरियल को हीट किया और जो सॉलिड था उसके बॉन्ड्स ब्रेक हुए, मॉलिक्यूल्स थोड़े लूज हुए, उनको ज्यादा एनर्जी मिली और वो इजिली मूव करना शुरू कर दिए। तो वो जो सारी एनर्जी थी वो सॉलिड से लिक्विड करने में जो लगी वो होती है, इसे बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट क्यों बोलते हैं? लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई। छुपी हुई क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें दिखती नहीं ना, जीरो डिग्री यहां भी था, जीरो डिग्री यहां भी था, तो हमें छूने में पता नहीं चलेगा ना कि कितना गर्म है, गर्म गर्मी से नहीं पता चलेगा, तो इसलिए उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। यहां पे जो हीट लगी उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड फ्यूज हो रहा है, और यहां पे जो होते हैं इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये है फ्यूजन और ये है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको LF, और इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन LV, ठीक है। समझ में आ गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्यों होता है? समझ में आ गया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को ब्रेक करना होता है सॉलिड से लिक्विड, और वही चीज लिक्विड से वेपर में भी होता है। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स लूज तो होते हैं लेकिन फुली इंडिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन वेपर में तो फुली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहां पर भी काफी सारी एनर्जी जो होती है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को चाहिए होती है लिक्विड से वेपर में पहुंचने के लिए। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये दोनों बराबर नहीं होती है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करेंगी? मास पे। तो इसलिए हम इसको भी यूनिट मास के लिए ही मेजर करते हैं। एक लीटर पानी या एक किलो पानी को अगर, एक किलो बर्फ को अगर पिघलाना है तो कितनी हीट लगेगी, एक किलो पानी को अगर वेपर बनाना है तो कितनी हीट लगेगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये जीरो डिग्री पर ही होगा, ये 100 डिग्री पे होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। दोबारा समझा देते हैं, लेटेंट हीट वो हीट होती है जिसको देने से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रेज नहीं होता, उसकी स्टेट चेंज होती है। सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में जाएगा विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर में जाएगा विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। दिस पार्ट ऑफ द कर्व, दिस पार्ट ऑफ द कर्व, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। 100 डिग्री या 270, क्या है ये 274 कैसे लिख दिया, 373 होगा ना, ये 373 केल्विन या फिर 273 केल्विन है, ठीक है। ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट, और ये होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इतना समझ में आता है? चलो वेरी गुड बच्चों, इसके बाद हमारे पास कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, हमारे पास अभी ट्रिपल पॉइंट का पूरा ग्राफ रह गया, उसे समझना है। उसमें दो केसेस हैं, वो हम समझेंगे कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, क्यों होता है और उसके सिग्निफिकेंस क्या है। हमने कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में ट्रिपल पॉइंट का थोड़ा जिक्र किया है, आगे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और हम समझने वाले हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि कैसे कैसे हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो ये आई थिंक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का आखिरी वीडियो आने वाला है, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा, और उसके बाद हम 4-5 वीडियोस पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलो विद दिस थॉट मैं इस वीडियो का एंड करता हूं, लेकिन एंड करने से पहले बच्चों, इस टाइम ऑफ द ईयर में कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, माई हम्बल रिक्वेस्ट इज कि आप लोग अपने घर पे रह के ही पढ़ाई कीजिए और अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अभी तक का जो डेटा है वो यही कहता है कि ओल्ड पीपल आर मोर ससेप्टेबल टू कोरोना। तो ओल्ड पीपल जो आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनका खूब ध्यान रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, और जितनी भी हो सके, जितना हो सके घर में रह करके ही सारे काम करने की कोशिश करिए। थैंक यू।